जब एक दूध वाले ने संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में हरा दिया। इसका कारण उनके साथ धोखा था। आइए जानते हैं क्या हुआ। यदि डॉक्टर अंबेडकर वह चुनाव जीत जाते तो देश में पिछड़ी जातियों, दलितों और अन्य तबकों की स्थितियां अलग होती। वाक्य सन 1952 का है। ये वो समय था जब भारत में संविधान लागू होने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे थे। अनुसूचित जाति के कद्दावर नेता डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई से चुनाव लड़ा। उनके सामने कांग्रेस ने एक दूध का छोटा मोटा कारोबार करने वाले नौसिखिए नेता कजरोलकर को चुनाव में उतारा। तब एक मराठी नारा खूब प्रचलित हुआ, कूठे तो घटना कर अंबेडकर, आनी कूठे हालो निविक्या कजरोलकर। इसका मतलब था कहां संविधान निर्माता अंबेडकर और कहां ये मक्खन बेचने वाला कजरोलकर। जवाहरलाल के मन में था यदि डॉक्टर अंबेडकर जीते तो राजनीति में एक और ध्रुव खड़ा हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कजरोलकर के समर्थन में जबरदस्त सभाएं की थी, मगर जब नतीजे आए तो अप्रत्याशित रूप से कजरोलकर जीते और डॉक्टर भीमराव हार गए। मगर दुख की बात यह है कि कजरोलकर अंबेडकर के पूर्व सहयोगी रहे थे।